अजीब खाना खाता है। नहीं ऐसे खाता नॉर्मल है, उसका ऐसे थाली रहेगा ना सर, एक तरफ खाना रहेगा और एक तरफ पूरा दाल डाल देगा इधर, बच्चे लोग जैसे खिलाते हैं वैसे। और वो सब्जी बराबर खाना बराबर सब्जी खाता है। वाह सही तो खाता है। ओके वेल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो लेट मी स्टार्ट, डोंट बी गेट सरप्राइज। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 9B का एक्सरसाइज 9B। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9B। So today I will be teaching about multiplication. Multiplication. What is multiplication? You know very well. So if you remember, only yesterday Thakur submitted his work. No other student has submitted the work, and that is what I am highly disappointed. I am looking forward कि ये chapter मुझे जैसे भी complete करके दो, okay? Okay, so कल yesterday I told not to do number 10 and 11. Number 10 और 11 करने के लिए मैंने मना किया था, because वहाँ पर कुछ ऐसे numbers थे जिसे कि करना थोड़ा tough रहता, but I am clearing it. Suppose for an example, a plus x is equals to b दिया गया है, so how you would have solved it? तो x का तो कुछ element नहीं दिया गया, but इसका दिया गया, कैसे करते? So in that condition, what you have to do? First, you have to solve it. First, solve this equation. तो क्या करोगे? X इधर plus a है, इस तरफ जाएगा तो minus a. X is equals to b minus a. B का जो भी element दिया गया है, वो लिख देना. Minus a का जो भी element लिया गया है, वो लिख देना. दोनों को solve कर दोगे तो x का value पता चल जाता है. समझ में आया? ऐसे करके तुम लोग x निकालोगे। तो जब भी ऐसे कुछ इक्वेशन दे देना, पहले इक्वेशन को सॉल्व करो, क्योंकि तो तुम्हें दूसरा का फिगर नहीं बताया गया, तो इजीली तुम लोग कर सकते हैं। एनीवे आज मैं पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेशंस के बारे में। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है। यदि कोई भी ए के आगे, सपोज आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल देख के समझ सकते हो। ए इज गिवन 1, 2, -2, 3. B is given -2, -1, 1, 2. -2, -1, 1, 2. C is given 0, 3, 2, 1. 0, 3, 2, -1. Now what is the question is given here? A+2B-3C. A+2B-3C. Now here we have to solve it. तो a का वैल्यू डायरेक्ट लिख लो 1, 2, -2, 3 प्लस 2b का मतलब है 2 बाहर लिख देंगे, b का कितना -2, -1, 1, 2, 3 c का 0, 3, 2, -1। सो हम लोगों को पता है इफ दिस इज आउटसाइड इट मींस इट इज मल्टीप्लाइड, सो व्हाट वी विल डू 1, 2, -2, 3 प्लस 2 प्लस माइनस इन टू माइनस टू करने से -4, 2, -2, 4 इसको 0 जा 3, 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा देखो माइनस माइनस था दोनों yes. क्या हो गया डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 3 + 3 हो गया बिकॉज इट वॉज -3 सॉरी डोंट टेक इट -3 सिर्फ इसे याद रखो ये सिर्फ इसे और इसका तो -3 दे दोगे हाँ सॉरी तो क्या हुआ नाउ यू सॉल्व इट कोई भी ये को पहले सॉल्व करो 1 + -4 -2 + 2 2 + -2 3 + 4 राइट ऑन द सेम डिजिट 0, 9, 6, -3 तो अभी इसे सॉल्व करो 1 - 4 ये तो 0 हो गया ये भी प्लस माइनस 0 हो गया इसका हो गया 7 माइनस इसे सॉल्व करो 0, 9, 6, -3 तो इसका क्या हो गया 5 - 0 सॉरी
वन ये हो गया तो माइनस थ्री माइनस जीरो जीरो माइनस नाइन जीरो माइनस सिक्स सेवन माइनस माइनस थ्री ना क्लियर नाउ इधर सॉल्व करते हैं व्हाट इज दिस माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस सिक्स टेन द आंसर इज दिस मच दिस इज दैट माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस सिक्स टेन यस तो ये हो गया आंसर अभी तुम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना किसी भी ए के आगे या से कुछ भी लग जाता है सब वन टू है इसका मतलब है थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स खत्म अभी नाउ यू कैन डू द एक्सरसाइज यस जस्ट यू डू द एग्जाम्पल्स एंड यू कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज ओके विद दिस आई एम एंडिंग अप टुडेस क्लास मे गॉड ब्लेस यू ऑल एक ही एक्सरसाइज है Only one exercise is there. Just you have to complete 9B. If you are having any doubt, students, you can call me. Thakur understood. Prakash Prasar. Who is this? Who is this Prakash Prasar? Aditya Ocha. Aditya understood. This exercise is the easiest one. Okay. Thakur, already I corrected the paper that you have submitted yesterday. All is correct. Now you can start doing this exercise. Aditya, even you have to complete 9A first, then after 9B. And Aditya, if you are here only, then you can come to my home also for the classes, no problem. Okay, I am winding up today's class, student. Now you can start doing the exercise and submit it as soon as possible. Okay, bye-bye, God bless you.